मध्य प्रदेश के सीजी में मड़मास आदिवासी छात्रावास के अधीक्षक की मनमानी से वहां के रहने वाले छात्र परेशान हैं। छात्रों के लिए आने वाला राशन अधीक्षक अपनी गाड़ियों में भरकर घर ले जाता है। साथ ही परिवार और रिश्तेदारों को हॉस्टल में रुकवाने के लिए छात्रों को उनके घर भेज दिया जाता है। हैरानी की बात है कि कई शिकायतें होने के बाद भी अधिकारी कार्रवाई से बचते नजर आ रहे हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हॉस्टल में अधीक्षक का परिवार, खबर से बेखबर क्यों है जिम्मेदार? सीधी जिले के मड़वास में जूनियर आदिवासी छात्रावास अधीक्षक की मनमानी का अड्डा बन गया है। बच्चों से खाना बनवाया जाता है, बच्चों के लिए आने वाला राशन हॉस्टल अधीक्षक राघवेंद्र अहिरवार के घर भेज दिया जाता है। इतना ही नहीं, हॉस्टल में दिवाली का त्योहार परिवार समेत मना सके, इसके लिए बच्चों को हफ्ते महीने पहले ही घर भेज दिया जाता है। मीडिया की टीम हॉस्टल पहुंची तो एक भी छात्र नहीं मिला। जब हमने हॉस्टल में रहने वाले बच्चों से मुलाकात की तो उन्होंने अधीक्षक पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। बच्चों का कहना है कि उनके साथ गाली गलौच होती है, सर्दी का सीजन आ गया है लेकिन अभी तक कंबल नहीं दिए गए, समय पर खाना नहीं मिलता। राघवेंद्र क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि अभी खाना पीना नहीं है, जाओ घर। बोलते हैं कि मंगा लो, तो बोलते हैं कि अभी नहीं, दो दिन बाद आना। दो दिन बाद आना? हाँ। और क्या समस्या है? और समस्या वही कम्बल चादर हम लोगों को नहीं मिल पाता है। एक ओढ़े रहते हैं। अधीक्षक दारू पी के आते हैं, उल्टी करते हैं, क्या करते हैं? उल्टी करते हैं, फिर धोवाते हैं। धोवाते हैं कि जो धो उसको, किससे किससे धोवाते हैं? आशीष और विकास से धोवाते हैं। आशीष और विकास है, और गाली भी दे रहे थे। गाली भी दे रहे थे तो सब उखा रहे थे चारों? तुम लोग उखा रहे थे? हम लोग खा रहे थे। तुम लोग चारों खलवाते हैं? और वो भी खा रहे थे। अच्छा, वो भी। बच्चे आरोप लगा रहे हैं खाली हॉस्टल के शॉर्ट्स हैं, राशन घर ले जाते हुए वीडियो है, इसके बावजूद अधिकारी कुछ भी बोलने से बचते हैं। कई बार शिकायतें हुई लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं। लगातार मड़वास की जो आदिवासी छात्रावास है उसमें जो अधीक्षक हैं वो लगातार मनमानी करते आ रहे हैं, बच्चों से खाना बनवाते हैं। तो ये भी कहा जाता है कि जो छात्र अधीक्षक हैं उनके परिवार के पूरे फैमिली जो है वो छात्रावास में ही रहते हैं, उनकी जो व्यवस्थाएं हैं छात्रावास में की जाती है। अब देखना है कि अधीक्षक की मनमानी पर कब लगाम लगेगी, कब बच्चों के राशन पर डाका डालने वाले पर एक्शन लिया जाएगा, या फिर छात्र यूं ही बाहर भटकते रहेंगे और अधीक्षक का परिवार बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं पर मौज करता रहेगा। विस्तार न्यूज के लिए शरद गौतम की रिपोर्ट।